हबू का किचन में आज हम अलग और नए तरीके से वेजिटेबल दम बिरयानी बनाएंगे। और बिरयानी के लिए हम एक स्पेशल मसाला भी बनाएंगे, इससे बिरयानी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप एक बार मेरे तरीके से वेजिटेबल दम बिरयानी जरूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल वेजिटेबल दम बिरयानी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बिरयानी के लिए हम एक स्पेशल मसाला रेडी करेंगे। मिक्सी जार में 5 से 7 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 5 से 7 लौंग, 3 से 4 छोटे टुकड़े तज और 1 छोटा चम्मच शाही जीरा ऐड करके इसे बारीक पीस लेंगे। अब कुकर में 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें 4 मीडियम साइज की प्याज ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है तो अब हम गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे और बाकी बची प्याज में 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 8 से 10 सेकंड के लिए प्याज के साथ भूनेंगे। प्याज के साथ हमने अदरक लहसुन की पेस्ट को भून लिया है तो अब हम इसमें 3 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी मिक्स करके ऐड करेंगे। अब हम टमाटर की प्यूरी को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। टमाटर की प्यूरी को भून लेने के बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच रेडी किया हुआ बिरयानी मसाला और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ड्राई होने तक भूनेंगे। मसाले को हमने मीडियम फ्लेम पर भून लिया है और ये ड्राई हो गया है तो अब हम इसमें 1/2 कप दही ऐड करेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट कर ही ऐड करें। अब हम दही को मसाले के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप मटर ऐड करेंगे, 2 मीडियम साइज के आलू, 1/2 कप कैरोट, 1/2 कप फ्रेंच बीन्स और 1/2 कप फूलगोभी ऐड करेंगे। अब हम वेजिटेबल्स को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भूनेंगे और इसे ढककर लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। लो फ्लेम पर हमने 4 से 5 मिनट के लिए वेजिटेबल्स को कुक कर लिया है तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे और 4 से 5 हरी मिर्च ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिरयानी के लिए मसाला रेडी है। अब हम राइस को बॉईल करेंगे। बॉईल किए हुए पानी में 2 चक्रीफुल, 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े तज, 2 से 3 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 तेजपत्ता, 1/2 छोटा चम्मच शाही जीरा, स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करके एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आने के बाद 2 कप बासमती राइस ऐड करेंगे। बासमती राइस को वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड करके राइस को हम 80% तक बॉईल करेंगे। राइस को हमने 80% बॉईल कर लिया है। 20% बिरयानी दम पर रखकर कुक करेंगे। अब राइस को हम छान लेंगे। अब गार्निशिंग के लिए हम मसाले में से थोड़ा सा ऑयल निकाल लेंगे। अब मसाले पर हम बॉईल किए हुए राइस ऐड करके अच्छी तरह से फैला देंगे। अब इस पर बनाया हुआ बिरयानी मसाला स्प्रिंकल करेंगे। हमने जो ऑयल निकाला था वो ऐड करेंगे। तली हुई प्याज और 2 बड़े चम्मच जितना घी ऐड करेंगे।
बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना और आधा कप पनीर के पीस ऐड करेंगे। अब हम इसे फॉइल पेपर से कवर करेंगे और ढककर लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। दस से 12 मिनट दम पर रखने के बाद वेज दम बिरयानी रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल वेजिटेबल दम बिरयानी की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।